नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शेखर, आपका ऑनलाइन दोस्त। आज का मेरा टॉपिक कौन सा है? फंक्शन का है, जो सिक्स लेसन है हमारे सिलेबस का पाइथन का, वो कौन सा है? फंक्शन। और फंक्शन में हम लोग क्या सीखने वाले हैं? हम लोगों ने प्रोग्रामिंग सीख ली, प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट सीख लिए, एल्गोरिथम सीख लिए, फ्लो चार्ट सीख लिए, डेटा टाइप्स के बारे में भी हम लोग को जानकारी हो चुकी है। अब हम लोग फंक्शन की जब बात करते हैं, तो फंक्शन एक तो आप जैसा समझते हैं कोई चीज, फंक्शन का मतलब क्या होता है? आम बोलचाल की भाषा में भी हम लोग जब यूज करते हैं कि हम एक फंक्शन ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, फंक्शन ऑर्गेनाइज करने का मतलब दिमाग में क्या आता है? एंटरटेनमेंट से, कि जब आप कोई फंक्शन अटेंड करने जा रहा हो तो इसका मतलब एंटरटेन करोगे वहां पे, ठीक है। तो वही चीज है यहाँ पर कि जब कोई प्रोग्राम आप बना रहे हो तो उसमें कई बड़े बड़े और छोटे छोटे फंक्शन का हम लोग यूज करते हैं, जिससे क्या होता है, प्रोग्रामिंग आसान हो जाती है। एक छोटा सा वर्ड, एक छोटे से कीवर्ड में आप क्या कर सकते हो, आप अपने पूरे प्रोग्राम की साइज को रिड्यूस कर सकते हो। कैसे? अब जैसे मान लीजिए एक आपने लिख दिया यहां पर प्रिंट। अब तक हम लोगों ने कई बार इसका यूज भी किया है, प्रिंट किया और यहां पर एक्स को प्रिंट कर दिया। प्रिंट है क्या? प्रिंट चूंकि आप जब लिख रहे हो तो जो पाइथन का कंपाइलर है उसको प्रिंट का मतलब पता है कि जब यूजर ने प्रिंट लिखा तो इसका मतलब क्या है, मुझे आउटपुट को प्रिंट करना है, ठीक है। तो ये क्या है, प्रिंट किस तरह काम कर रहा है? एज अ फंक्शन काम कर रहा है। इसी तरह से हम लोग दो तरीके के फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, एक होता है बिल्ट इन फंक्शन, दूसरा होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शन किसको बोलते हैं? जो फंक्शन जैसे कि आईडी प्रिंट टाइप, जो फंक्शन पहले से ही पाइथन को बताया जा चुका है, जो कोडर ने लिख दिया है पहले से ही, यानी डेवलपमेंट फेज की जब हम बात कर रहे हैं, तो ये जो आईडी है, प्रिंट है, टाइप है, ये जब आप लिखते हो तो टाइप लिखोगे तो क्या होगा, आपका जो डेटा है वो किस टाइप का है वो पता चल जाता है। आईडी लिखोगे तो किस जगह पर एस्टेब्लिश है, किस लोकेशन पर है वो आपको पता चल जाता है। तो ये क्या है, ये बिल्ट इन फंक्शन है, ये पहले से ही पाइथन के इंटरप्रेटर को बताया जा चुका है कि इसका मतलब क्या है। और ये किसने बताया? यूजर ने नहीं बताया, हम लोगों ने नहीं बताया, ये सीधे डेवलपर द्वारा ही बता दिया गया है, ठीक है। तो इस तरह के फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? बिल्ट इन फंक्शन, ठीक है। और कुछ तरीका पाइथन में ऐसा भी होता है जो यूजर खुद ही डिफाइन करता है, यूजर डिफाइंड फंक्शन। जब यूजर डिफाइंड फंक्शन की हम बात करते हैं तो यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होता है, जैसे मान लो कि आप ही ने कोई ऐसा फंक्शन बनाया, फंक्शन बनाने के लिए आपको एक कीवर्ड यूज करना होता है डेफ, ठीक है, डिफाइन, ठीक है, डिफाइन। मैंने अपने ही नाम से एक फोल्डर बनाया ts और एक ऐसे पैरेंथेसिस लगाया, फंक्शन बनाने का ये तरीका होता है, डिफाइन ts। ts क्या है? नथिंग, अकॉर्डिंग टू द पाइथन कंपाइलर ts doesn't have any meaning, ts की खुद की कोई मीनिंग नहीं है। लेकिन मैं बता रहा हूं कि ts में क्या होने वाला है। ts में मैंने एक स्टेटमेंट लिखा कि x is equals to hello, x is equals to hello, और प्रिंट कर लिया x को, ठीक है। ये क्या हुआ, ts नाम का एक ऐसा फंक्शन बनाया गया जिसमें x की वैल्यू hello डाल दी गई, ठीक। अब जब जब मुझे x प्रिंट करना होगा तो उसकी जगह पर मैं खाली ts अगर लिख देता हूं, यहां पर एक बार लिखा, ठीक है, फिर एक बार लिखा, तो ये आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट मुझे मिलेगा एक बार इस प्रिंट की वजह से हेलो आया, जैसे यहां पर प्रिंट फंक्शन यूज हुआ है तो मुझे क्या मिला, हेलो, फिर यहां पर ts यूज हुआ है, ठीक है, तो ts यूज होने की वजह से, अब ts क्या है, ts में पहले से मेंशन है x बराबर हेलो, ठीक है, तो यहां पर मुझे हेलो मिल गया, फिर एक बार और ts मैंने यूज किया तो फिर मुझे हेलो मिल गया। यानी अब जितनी बार आप ts यूज करोगे तो ts में जो चीजें आपने लिख दी है वो वही चीजें प्रिंट होगी एज अ टी। इसको हम बोलते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन, यानी ये फंक्शन आप खुद ही क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो वही सिंबल है हमारा फंक्शन का। अब इससे हमारी प्रोग्रामिंग कितनी आसान हो गई, मान लीजिए कि आपने एक ऐसा कैलकुलेशन फॉर्मूला बनाया, चलो हम बना के दिखाते हैं। मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया डेफ नाम, डिफाइन किया मैंने, और डिफाइन फंक्शन का नाम मैंने दिया ts, ठीक है। इसमें मैंने प्रिंट किया
फ्रेट, टीएस इज एन इज अ ग्रुप, मैंने ये लिखा, यहां पर फिर मैंने प्रिंट किया, टीएस स्टैंड्स एज टेक्नो शेखर, फिर मैंने प्रिंट किया, वेलकम टू टीएस, वेलकम टू टीएस। अब ये चीजें मैंने क्या करी, इसमें मेंशन कर रखी है। टीएस नाम का एक मैंने फंक्शन बनाया है जिसको यूजर डिफाइंड फंक्शन बोलोगे आप, क्योंकि मैंने क्रिएट किया है। ये कंपाइलर को पहले से नहीं मालूम है अबाउट टीएस, लेकिन मैंने बताया है टीएस को, मैंने टीएस को डिफाइन किया और उसको पैरेंथेसिस ओपन किया। अभी मैंने इसमें कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं किया है, जीरो आर्गुमेंट है, और यहां पर मैंने कॉलन लगाया हुआ है, ठीक है। फिर मैंने एक तीन स्टेटमेंट में कंटिन्यूअसली प्रिंट किया, टीएस इज अ ग्रुप, टीएस स्टैंड फॉर दिस स्टैंड्स, स्टैंड्स एज टेक्नो शेखर, वेलकम टू टीएस। अब यहां पर मैं टीएस को प्रिंट कर लेता हूं, ठीक है। जैसे ही आप यहां पर टीएस को कॉल करोगे, ये ऑटोमेटिक आउटपुट आपको क्या मिलेगा, आपको आउटपुट यही मिलेगा, टीएस इज अ ग्रुप, ठीक, स्टैंड फॉर टेक्नो शेखर, स्टैंड एज टेक्नो शेखर, वेलकम टू टीएस। क्यों? क्योंकि मैंने एक बार टीएस यूज किया है, अब दो बार कर लू, खाली टीएस आप लिखोगे, जब जब टीएस लिखोगे पूरे प्रोग्रामिंग में, होल प्रोग्रामिंग में खाली आप टीएस लिखोगे पैरेंथेसिस के साथ, तो बार बार यही चीज आपको क्या मिल जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। फायदा क्या हुआ इससे आपको, फायदा आपको ये मिल रहा है कि आपको इतनी चीज अगर बार बार यूज करनी है कहीं भी, तो एक ही लाइन लिखोगे तो आपका काम हो जाएगा। यही इसीलिए हम लोग फंक्शन बनाते हैं कि जब कोई चीज मुझे पूरे प्रोग्राम में बार बार यूज करनी हो, ठीक है, तो हम क्या करते हैं उसको एक फंक्शन में डाल दो, और खाली इस फंक्शन का नाम लिखोगे तो वो सारी चीजें उठ के आ जाएगी। बार बार मुझे इतनी चीजें हर जगह लिखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। जैसे आप किसी कंपनी की प्रोफाइल बना रहे हो और बार बार आपको लोगो का इस्तेमाल करना होता है, तो क्या करते हो, लोगो मतलब क्या होता है, कंपनी का लोगो मतलब इन द सेंस की एक छोटे से इमेज में लगभग कंपनी की पूरी थीम हो जाती है, ठीक है। जैसे टीएस, ठीक है, नेशन बिल्डर, टीएस एज एजुकेशनल बिल्डर, तो ये सब क्या होता है, ये सब ये दिखाया जाता है कि कंपनी आपकी किस टाइप की है, लोगों से ही आपकी कंपनी की प्रोफाइल पता चल जाती है। तो सेम चीज कि जब आपको पूरी प्रोग्राम में, पूरे पाइथन की प्रोग्रामिंग में कोई ऐसा वर्ड आ रहा है, कोई ऐसा शब्द आ रहा है, या फिर कोई ऐसा कंटेंट आ रहा है जिसको बार बार यूज करना हो, ठीक है, तो उसकी सबसे ज्यादा सुविधा मुझे क्या होती है, उसके लिए हम फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। कुछ फंक्शन जो पहले से ही आपको मिलते हैं उसमें, उसको क्या बोलोगे, बिल्ट इन फंक्शन, और कुछ फंक्शन जो आप क्रिएट करते हो उसको क्या बोलोगे आप, यूजर डिफाइंड फंक्शन। अब ये काम करने के लिए पूरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, होल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दो तरह के अप्रोच काम करते हैं। पहला अप्रोच कौन सा होता है, टॉप डाउन अप्रोच, और दूसरा अप्रोच कौन सा होता है, बॉटम अप अप्रोच। लेकिन हमारे सिलेबस में टॉप डाउन अप्रोच पर पूरा प्रोग्राम बनाया गया है, इसीलिए हम लोग समझेंगे टॉप डाउन अप्रोच क्या होता है। देखो टॉप डाउन अप्रोच क्या होता है, जब भी कोई प्रोग्राम आप बनाते हो, आप समझो यहां पर एक ग्रुप है, इस ग्रुप को कई भागों में तोड़ा गया, जिसको आप बोलोगे सब ग्रुप, सब ग्रुप वन एंड टू एंड सब ग्रुप थ्री, फिर इसको तोड़ लो फर्दर कई भागों में, सब ग्रुप फोर, सब ग्रुप फाइव, इसको भी तोड़ सकते हो आप, सिक्स एंड सेवन। तो जब ये अप्रोच फॉलो अप होती है प्रोग्रामिंग में, इसको बोलते हो टॉप, इसको बोलते हो डाउन। तो जब आप कोई भी फंक्शन क्रिएट कर रहे हो और फंक्शन आप क्रिएट कर रहे हो ऊपर, और उस फंक्शन का इस्तेमाल कर रहे हो प्रोग्रामिंग के नीचे की लाइन में, बार बार नीचे यूज कर रहे हो, तो उस तरह की अप्रोच को हम क्या बोलेंगे, टॉप डाउन अप्रोच बोलते हैं, ठीक है। जैसे अभी हम लोगों ने एक एग्जांपल दिया था कि आपने एक फंक्शन क्रिएट किया जिसका नाम रखा था डेफ पीएस। अब ये फंक्शन मैंने कहां पे बनाया, टॉप पे बनाया, ऊपर बनाया,
ठीक है, मैंने इसके अंदर कुछ चीजें लिखी, जैसे x में मैंने दिया 5 और y में मैंने दिया 6, z में मैंने दिया x प्लस y, ठीक है, और यहां पर मैंने क्या किया, प्रिंट कर लिया z को, ठीक। ये मैंने काम किया यहां पर, ये किस में किया, ts में किया, ठीक है, किस पे, ये ts है क्या, एक फंक्शन है। अब जब यहां पर मैंने खाली ts कॉल कर दिया, कहीं भी प्रोग्रामिंग में नीचे टॉप पे मैंने बनाया और बॉटम में ts 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 कितनी बार भी यूज करोगे तो बार बार आपको आउटपुट क्या मिलने वाला है, 11, यहां भी मिलेगा 11, यहां भी मिलेगा 11, फिर आपने ts यूज किया, फिर आपको 11 मिलेगा, फिर आपने ts यूज किया, फिर आपको 11 मिलेगा। मतलब क्या हो रहा है, टॉप में फंक्शन क्रिएट किया और बॉटम में जितनी बार आप प्रोग्रामिंग में यूज करोगे, ठीक है, ts ts ts, वो क्या मिलने वाला है आपको, आपको 11 आउटपुट मिलने वाला है। इस तरह की जब आप प्रोग्रामिंग पर काम, इस तरह की प्रोग्रामिंग और कॉन्सेप्ट पर जब आप काम करोगे तो ये अप्रोच कहलाता है टॉप से डाउन अप्रोच। लेकिन जो मैंने बॉटम अप की बात की कि जब आप फंक्शन यहां बनाओ, ठीक है, और उसको ऊपर कॉल करना हो तो उस तरह के फंक्शंस को हम बोलते हैं बॉटम अप अप्रोच। लेकिन ये चीज पॉसिबल सी प्रोग्रामिंग में होती है, अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होती है। पाइथन जो है टॉप डाउन अप्रोच को सपोर्ट करता है, इसीलिए हम लोग पाइथन में टॉप डाउन अप्रोच पर ही काम करने वाले हैं, यानी फंक्शन आप ऊपर बनाओगे और यूज पूरी प्रोग्रामिंग में करने वाले हो, ठीक है। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग, एक कॉन्सेप्ट आता है मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग एंड फंक्शन का। तो मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग एंड फंक्शन क्या होता है, जब कोई बहुत बड़ा आपको काम करना हो, ठीक है, और आप क्या कर रहे हो, जैसे मान लो एक बहुत लंबा प्रोग्राम है, जैसे एक कैलकुलेटर का ही समझ लो, जोड़ घटाना गुणा भाग, कई कैलकुलेशन कब कहलाता है कि वो कैलकुलेटर की तरह काम कर रहा है। कैलकुलेशन आपका कैलकुलेटर तब कहलाएगा जब आपके कैलकुलेशन में एडिशन भी हो, सब्ट्रैक्शन भी हो, मल्टीप्लिकेशन भी हो, मॉड्यूल भी हो, एवरीथिंग जब आपके पास कैलकुलेटर में अवेलेबल होगा तभी आप बोलोगे उसको कैलकुलेटर। और कैलकुलेशन कब बोलोगे, कि जब एक परफॉर्म, एक सिंगल टास्क को परफॉर्म करे, जैसे या तो एडिशन परफॉर्म करे तो कैलकुलेशन किस तरह की होगी, एडिशन बेस्ड होगी। अगर सब्ट्रैक्शन खाली सब्ट्रैक्शन का ही काम कर रहा है तो कैलकुलेशन किस बेस्ड की होगी, आपकी सब्ट्रैक्शन बेस्ड होगी, ठीक है। लेकिन जब सारा काम एक साथ में कर रहा है, तो सारा काम जब एक साथ में कर रहा है तो वो कैलकुलेटर हो गया ना, कि क्योंकि कैलकुलेटर का काम ही होता है कि हर तरह के काम, एडिशन से संबंधित, सब्ट्रैक्शन से संबंधित, मल्टीप्लिकेशन से संबंधित, डिवीजन से संबंधित, सब कुछ हो रहा है उस पे, ठीक है। अब जैसे मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि जब एक बड़ा प्रोग्राम करना हो तो उससे बेटर है कि उस प्रोग्राम को छोटे छोटे हिस्सों में आप ब्रेक कर लो, ठीक है, छोटे छोटे हिस्सों में ब्रेक करके एक एक पार्ट को सॉल्व करो। यानी एक बड़ा प्रॉब्लम है, अ बिग प्रॉब्लम, ठीक, अब बिग प्रॉब्लम है, उस बड़ी प्रॉब्लम को आप छोटे छोटे प्रॉब्लम में डिवाइड करो, फिर उसके बाद उसको सॉल्व करो, तो उस तरह की काम को क्या बोलते हो, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। एग्जांपल हम देते हैं, लाइव की बात करते हैं, जैसे सपोज करो आपको एक ड्राइंग बनानी है, ड्राइंग बनानी हो या आप एक गाड़ी बनाने वाले हो, ठीक है, तो क्या करोगे, गाड़ी बनाने के लिए डायरेक्ट आप पूरी गाड़ी पर एक ही साथ तो वर्क कर नहीं सकते, कभी कोई इसका, कोई पर्सन उसका इंजन बनाएगा, कोई इसमें आईटी का काम करेगा जो उसमें ऑटोमेटिक चीजें को कंट्रोल करता है, सेंसर वाली डिवाइसेस को जो काम करता है वो कोई अलग प्रोग्रामिंग करेगा उस पर, कोई स्टेयरिंग बनाएगा, कोई उसकी पेंटिंग करेगा, कोई उसकी डेंटिंग करेगा, तो यानी कई छोटे छोटे पार्ट में कई लोग मिलकर उस पूरी गाड़ी पर काम करते हैं, तो प्रॉब्लम क्या होती है, एक तो समस्या कम समय में खत्म होती है क्योंकि सब लोग अलग अलग काम करते हैं, ठीक है, डेंटिंग कोई और कर रहा है, पेंटिंग कोई और कर रहा है, इंजन पे कोई काम अलग कर रहा है, स्टीयरिंग पे कोई काम अलग कर रहा है, तो क्या हुआ, एक गाड़ी को पूरी बढ़िया तरीके से डेवलप करने के लिए हमने उसके प्रॉब्लम को कई छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया है, और जो जिस चीज में स्पेशलाइज्ड है उसको वो काम दिया गया, जैसे कोई इंजन बनाने में माहिर है, स्पेशल है वो, तो उसको वही काम दिया गया है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इस तरह की जब प्रोग्रामिंग हम लोग करते हैं तो ये प्रोग्रामिंग क्या कहलाएगी, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। ऐसे ही हम लोग सॉल्व करते हैं मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। बिग प्रॉब्लम, सबसे बड़ा प्रॉब्लम मान लो कि मुझे एक कैलकुलेटर बनाना है, कैलकुलेटर मुझे बनाना है, कैलकुलेटर बनाने में आपको मालूम है कैलकुलेटर का मतलब हो गया एडिशन भी होना चाहिए, सब्ट्रैक्शन भी होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन भी होना चाहिए। तो मैंने एक क्या किया, एक फंक्शन मैंने बनाया, सबसे पहले टेफ ts नाम का मैंने एक फंक्शन बनाया। आप कुछ भी बना सकते हो, जरूरी नहीं मैं बार बार ts ही दे रहा हूं, आप कुछ भी बना लो, जैसे mitm ही मैंने बना दिया, mitm नाम का एक मैंने फंक्शन क्रिएट किया। उसमें मैंने क्या किया, x में
इंट इनपुट अ नंबर, इनपुट अ नंबर वाई में इंट इनपुट अ नंबर, जेड में एक्स प्लस वाई किया, जेड में नहीं जेड में एक्स प्लस वाई किया, जो अब इसको जेड में लिखते सम लिखते, सम में मैंने एक्स प्लस वाई, सम नाम में मैंने एक्स माइनस वाई, मल में मैंने एक्स इंटू वाई, डिव में मैंने एक्स डिवाइडेड बाय वाई, मॉड्यूल में मैंने एक्स परसेंटाइल वाई, फ्लो डिविजन में मैंने एफ एन इज इक्वल टू एक्स, इस तरह से मैंने कॉल किया सम सब मल डिव मॉड फ्लो डिविजन। प्रॉब्लम अलग अलग हो गई, ठीक है, आपको मालूम है, और भी बनाना चाहो जो आप कैलकुलेटर अपनी कैलकुलेटर से जैसा एक्सपेक्टेशन करना चाहो वैसा कर लो आप। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, प्रिंट कर लिया, किसको सम को प्रिंट किया, फिर सब को प्रिंट किया, मल को प्रिंट किया, ठीक है, इसी तरह इधर प्रिंट डिव को प्रिंट किया, मॉड को प्रिंट किया, फ्लो डिविजन एफएल को प्रिंट किया। अब आपको क्या फायदा मिलने वाला है, देखो MITM नाम का एक फंक्शन क्रिएट किया गया यहां पर, ठीक है, और इस MITM में एक ऐसा कैलकुलेटर बनाया गया जिसमें x और y यानी यूजर इनपुट करेगा, कोई भी नंबर कौन डालेगा, यूजर डालेगा, और वो दो ही नंबर डालेगा, आप जितना चाहो उतना डालने के लिए आपको बार बार यहाँ पे x y z करना पड़ेगा। x और y में यानी दो नंबर जब वो इनपुट करेगा तो जैसे ही वो दो नंबर इनपुट किया उसको उसका समेशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन डिविजन मॉड्यूल फ्लो डिविजन सब मिल जाना है, ठीक है, सब उसको आउटपुट में मिल जाएगा कि ये जैसे किसी ने डाला 50, x में 50 और y में 10 डाला, तो 50 और 10 में इसका जोड़ 60 आउटपुट आएगा, सब्ट्रैक्शन घटाना यानी 40 आएगा, मल्टीप्लीकेशन यानी 500 हो जाएगा, ठीक है, डिवीजन यानी 5 हो जाएगा, मॉड 0 हो जाएगा इसमें, फ्लो डिवीजन मतलब जिस तरह से आप करोगे वो सारी चीजें इसमें आउटपुट में आने लगेगी एग्जैक्टली। अब चूंकि MITM एक फंक्शन हो गया, अब इतना काम आपके प्रोग्राम में कहीं और यूज करना है तो आप वहां पर कुछ मत करो, वहां पर आपको कोई काम नहीं करना है, सिर्फ आप खाली MITM अगर लिख देते हो ऐसे यहां पर MITM। अच्छा एक चीज और ध्यान देना, अगर आपने जो फंक्शन डिक्लेयर किया है उसके सारे वर्ड जो है स्मॉल में लिखे, जैसे मैंने अभी कैपिटल कर दिया तो अभी आउटपुट नहीं आएगा, एरर आएगी, जैसा आपने यहां पर वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है अगर आपने पूरा का कंटेंट स्मॉल में लिखा हुआ है या अगर एक अक्षर कैपिटल है और बाकी स्मॉल है तो सेम वैसे ही आप यहां पर लिखोगे MITM, और जैसे ही आप MITM लिखते हो ये चीजें फिर से यहां प्रिंट होंगी, फिर आप MITM लिखोगे फिर प्रिंट होंगी, इसी को हम लोग बोलते हैं फंक्शन कॉलिंग। इसको क्या बोलते हैं, फंक्शन कॉलिंग, क्योंकि हम बार बार इस फंक्शन को अपने पूरे प्रोग्राम में कहीं भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है, तो फंक्शन कॉलिंग का मतलब क्या है, पूरे प्रोग्राम में जितनी बड़ी आप प्रोग्रामिंग करने जाओगे वहां आप प्रोग्राम बनाओ नहीं, सिर्फ आप क्या लिखो इस फंक्शन को कॉल करते जाओ, ठीक है, किसी भी जगह पे कॉल कर लो, तो वो तरीका कहलाता है फंक्शन कॉलिंग का। और फंक्शन कॉलिंग कितने प्रकार का होता है इसको भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, फिलहाल ये हमारा है, अब बिग प्रॉब्लम को हम लोगों ने छोटे छोटे प्रॉब्लम में डिवाइड किया और अलग अलग मेजर्स को सॉल्व किया, जैसे सम के लिए अलग सॉल्व किया, इसको अलग इसको अलग, तो इस तरह की चीजें क्या कहलाती है, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग या मॉड्यूलर फंक्शन, ठीक है। अब वेरिएबल डिक्लेरेशन पे आते हैं कि वेरिएबल का डिक्लेरेशन हम किस तरह से कर सकते हैं अपने प्रोग्रामिंग में और फंक्शन में उसका इस्तेमाल कैसे करोगे। देखो वेरिएबल का जो डिक्लेरेशन होता है वो दो टाइप का होता है, वेरिएबल डिक्लेरेशन दो टाइप का होता है, एक होता है लोकल और दूसरा होता है ग्लोबल। जो वेरिएबल होता है किसी भी फंक्शन में वो आप दो तरीके से डिक्लेयर कर सकते हो, कैसे, एक तो लोकली डिक्लेयर कर सकते हैं ग्लोबली, जैसे कोई फंक्शन आप क्रिएट कर रहे हो def, फंक्शन का नाम दीजिए मैंने ts और मैंने इसमें
एक्स बराबर 5 और वाई बराबर 6, एंटर किया। जेड बराबर एक्स प्लस वाई, प्रिंट जेड। इस तरह से मैंने फंक्शन को यूज किया और यहां पर मैंने क्या किया, टीएस को कॉल कर लिया। टीएस को मैंने क्या किया, यहां पर कॉल कर लिया। अब जब टीएस को यहां पे कॉल कर लिया तो आउटपुट मुझे क्या मिलने वाला है, जेड ही मिलेगा। तो इसमें देखो क्या अंतर है, क्योंकि हम लोग तो वो अभी पढ़ चुके हैं फंक्शन कैसे क्रिएट करोगे। फंक्शन क्रिएट करने का तरीका यही है, यूजर डिफाइंड फंक्शन क्रिएट करने का। अब जैसे ये टीएस है, अब एक्स और वाई कहां पे डिक्लेयर हुआ है, लोकल डिक्लेरेशन। क्योंकि एक्स और वाई को कभी भी आप यूज करोगे तो टीएस के अंदर ही यूज करोगे। अब मान लो कि आपने कोई एक नया फंक्शन क्रिएट किया टी डेफ, डेफ में आपने यूज किया जैसे एमआईटीएम, ठीक है, और आपने यहां पर प्रिंट करा लिया फिर से जेड बराबर एक्स प्लस वाई, ठीक है, या जेड बराबर एक्स माइनस वाई। अब MITM को यहां पर कॉल कर लो, प्रिंट इसको कर लो पहले जेड को, प्रिंट जेड, और यहां पर MITM को कॉल करो। अब देखो यहां पर क्या होने वाला है, एकदम ध्यान से कंटेंट हमने क्या लिखा हुआ है। डेफिनेशन जो मैंने डिफाइन किया हुआ है, TS नाम का एक मैंने जो फंक्शन बनाया हुआ है, इस फंक्शन में मैंने x और y की वैल्यू 5 और 6 मेंशन की है, जिसमें z में मैंने x और y को एडिशन प्रिंट करा लिया है। TS को मैंने कॉल कर लिया, तो जब मैं TS को यहां पर कॉल करूंगा तो मुझे आउटपुट में ये सब चीजें प्रिंट होकर मिल जानी है। लेकिन जब मैंने MITM नाम का एक अलग फंक्शन बनाया, उसी प्रोग्राम में, सेम प्रोग्राम में मैंने MITM का एक अलग फंक्शन बनाया, उसमें मैंने x और y को कॉल किया, जेड को प्रिंट किया, अब आउटपुट आएगा नहीं आएगा, क्योंकि एक्स और वाई में कोई वैल्यू तो दिख नहीं, ठीक है। लेकिन अगर यही जो एक्स और वाई की 5 और 6 वैल्यू है, ये ग्लोबल डिक्लेरेशन पे होती है। ग्लोबल मतलब क्या होता है, अगर एक्स और वाई को ऊपर डिक्लेयर किया गया होता, एक्स बराबर 5 और वाई बराबर 6, इसकी जरूरत अगर यहां पर नहीं होती तो इस तरह का डिक्लेरेशन कहलाएगा ग्लोबल डिक्लेरेशन। क्यों, क्योंकि अब एक्स का यूज ये वाला भी करेगा यानी टीएस भी करेगा, ठीक है। जैसे ही जेड बराबर एक्स प्लस वाई हुआ तो ये 5 और 6 11 प्रिंट करेगा, और एमआईटीएम में जब जेड बराबर एक्स माइनस वाई हुआ तो ये आपको आउटपुट 1 आएगा, ठीक है। तो यहां पर बार बार मुझे एक्स और वाई की वैल्यू डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसी को बोला जाता है वेरिएबल डिक्लेरेशन। तो वेरिएबल डिक्लेरेशन दो तरीके से कर सकते हो, एक होता है लोकल डिक्लेरेशन, दूसरा ग्लोबल। ये इस समय जो मैंने डिक्लेयर किया हुआ है फंक्शन के ऊपर यानी सबसे टॉप पे जो डिक्लेयर किया हुआ है, ये हो गया ग्लोबल डिक्लेरेशन। अब इसका इस्तेमाल हम कितने भी फंक्शन क्रिएट करें, खाली अगर मैंने एक और फंक्शन क्रिएट कर लिया डेफ एबी जेड बराबर एक्स इंटू वाई प्रिंट जेड, अब यहां पर x और y की वैल्यू मुझे फिर से बतानी नहीं है कि x की वैल्यू क्या है और y की वैल्यू क्या है। क्यों, क्योंकि मैंने ग्लोबली डिक्लेयर कर दिया है x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 6 है। और कितनी बार भी आप फंक्शन क्रिएट कर रहे हो, बस आप लिखते जाओ x और y, तो वो उस चीज को समझ जाएगा कि x की वैल्यू क्या है। लेकिन जब अगर आप इसको लोकल डिक्लेरेशन कर दोगे, यहां पर x बराबर 5 और y बराबर 6, तो अब वो स्पेसिफिक जो ये x और y की वैल्यू है वो सिर्फ TS में काम करेगी, MITM में काम करेगी ना यहां पर काम करेगी। तो आपको यहां भी डिक्लेयर करना पड़ेगा x की वैल्यू क्या है और y की वैल्यू क्या है, ठीक है। यही तरीका होता है डिक्लेरेशन का, वेरिएबल डिक्लेरेशन। मतलब कितने प्रकार का, दो, लोकल और ग्लोबल। अब हमारा अगला स्टेटमेंट कौन सा है, द रिटर्न स्टेटमेंट। अभी रिटर्न स्टेटमेंट का काम क्या होता है, रिटर्न स्टेटमेंट काम बस ये होता है कि जैसे आपने कोई फंक्शन डिक्लेयर किया, कोई फंक्शन बनाया एड नाम का, अब तक जो फंक्शन हम लोग बना रहे थे उसमें हम लोग ब्लैंक पैरेंथेसिस यूज कर रहे थे, ऐसे डेफ टीएस और ये पैरेंथेसिस ऐसे करते रहे थे। क्या हो रहा था इसमें, ये पैरेंथेसिस ऐसे होने से अब इसमें कोई आर्गुमेंट हम पास नहीं कर रहे। लेकिन अब मैंने एक आर्गुमेंट पास किया एड में, ए और बी, ए और बी में यूजर जो है कुछ भी वैल्यू डाल सकता है। जैसे अभी तक आप लोग वैल्यू ले रहे थे, आपको लेना था तो कैसे ले रहे थे, ए बराबर इंट इनपुट एंटर नंबर, ठीक है, ये तरीका था आपके पास कि आपने ए में एक वैल्यू कैसे लेनी है, इस तरह के आप ले रहे थे। अब हमने क्या किया, फंक्शन में जो आर्गुमेंट पास किया ए और बी, मैंने कहा कि रन टाइम पर ए और बी में यूजर कुछ भी वैल्यू डाल सकता है, दो आर्गुमेंट मैंने पास कर दिया।
मैंने रिटर्न क्या कराया, जैसे ही वो रिटर्न मैंने एक कीवर्ड यूज किया, यहाँ पर ये देखो इसी कीवर्ड की बात हम कर रहे हैं, कैसे यूज करोगे आपने दो आर्गुमेंट पास किया ए बी, रिटर्न करा दिया ए प्लस बी, आप ए माइनस बी रिटर्न कराओगे तो आपको ए माइनस बी की वैल्यू मिलने वाली है। फिर रिजल्ट आपको क्या मिला, एड, यहाँ पर एड नाम का इस फंक्शन को मैंने कॉल किया, एड में जो ए और बी की वैल्यू क्या है मैंने दिया 10 और 20, आप कुछ भी दे लो, आप 50 दे लो, 70 दे लो, 100 दे लो, जो आपको समझ जाए। तो मैंने इस फंक्शन का नाम लिखा एड 10 और 20, प्रिंट कर दिया इस रिजल्ट को, ठीक है, तो आउटपुट मुझे क्या मिलेगा 30, आउटपुट हमें क्या मिलने वाला है 30 मिलने वाला है, क्योंकि चूंकि एड में हमने दो आर्गुमेंट पास किए ए और बी, और इस ए और बी को यूजर कुछ भी वैल्यू डालेगा, आप यहाँ पर 20 और 50 भी डाल सकते हो, 20 डाल सकते हो, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा 40 मिलने वाला है, ठीक है। बहुत इजी प्रोग्रामिंग है, बस ये हम लोग किसके लिए सीख रहे थे, रिटर्न के लिए, ठीक है, तो आप इस तरह भी चाहो तो वैल्यू रिटर्न करा सकते हो, ठीक। अगला हमारा टॉपिक कौन सा है, डॉक स्ट्रिंग का। डॉक स्ट्रिंग क्या होता है, जो वर्ड आपको दिख रहा है डॉक स्ट्रिंग, इसका मतलब होता है डॉक्यूमेंट स्ट्रिंग। जैसे अभी अभी हम लोगों ने फंक्शन को क्रिएट करना सीखा, और कैसे फंक्शन को आप कॉल करोगे टॉप डाउन अप्रोच पर, उसको हम लोगों ने सीखा। तो डॉक स्ट्रिंग पर बस ये चीज आती है कि आप किसी भी स्ट्रिंग को, स्ट्रिंग मतलब आप समझ रहे हैं जिसको डबल कोट के अंदर में लिखा जाए या ट्रिपल कोट के अंदर में लिखा जाए, तो किसी भी स्ट्रिंग को जब आप मेंशन करते हो और आप उसको कॉल करना चाहते हो, ठीक है, तो वो डॉक स्ट्रिंग का फंडा होता है। जैसे डॉक स्ट्रिंग में मैंने क्या लिखा, वन लाइन स्ट्रिंग, वन लाइन स्ट्रिंग मैंने एक ts नाम का फंक्शन बनाया ए बी, ठीक है, इसमें वन लाइन मैंने लिखा, ट्रिपल कोट से मैंने स्ट्रिंग बनाई, वन लाइन क्या है एक स्ट्रिंग है, और रिटर्न करा दिया ए बी को, ठीक है। अब जब आउटपुट आएगा तो क्या प्रिंट होके आएगा, वन लाइन स्ट्रिंग, क्या प्रिंट होके आएगा, वन लाइन, तो चूंकि एक ही लाइन में लिखा हुआ है इसीलिए यह किस तरह की स्ट्रिंग कहलाएगी, वन लाइन डॉक स्ट्रिंग। डॉक स्ट्रिंग मतलब ये होता है कि जैसे वो पाइथन में किसी भी प्रकार का मॉड्यूल, किसी भी प्रकार का फंक्शन को हम लोग डॉक स्ट्रिंग में क्रिएट करा सकते हैं। डॉक स्ट्रिंग बहुत हैवी कुछ नहीं है, मतलब ये नहीं कि अरे यार ये सब क्या चीजें आ गई, डॉक स्ट्रिंग बहुत टेक्निकल, बहुत कठिन वर्ड तो नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है। डॉक स्ट्रिंग में नॉर्मली जो डॉक्यूमेंट हमने लिखा वन लाइन में, वही चीज हमने मेंशन कर दिया सेम फंक्शन में, बस आपको कुछ नहीं करना है इसमें, इसमें आपको एक स्टेटमेंट हमने लिखा वन लाइन, अगर वो चीज एक सिंगल लाइन में लिखी है तो वो वन लाइन डॉक स्ट्रिंग होगी, अगर वही चीज मल्टीपल लाइन में लिखी हुई है, देखो जैसे ट्रिपल कोट में हेलो दिस इज टेक्नो शेखर, दिस इज फ्रॉम MIT एमरल, इट्स टेक्निकल इंस्टीट्यूट, और मैंने तीनों को कोट को बंद किया और रिटर्न करा दिया ए, यानी प्रिंट क्या होगा जब आउटपुट आएगा तो यही तीनों लाइन प्रिंट हो जाएगी। अब ये कई लाइन में है इसीलिए इसको हमने क्या बोला मल्टी लाइन डॉक स्ट्रिंग। लिखने का तरीका, फंक्शन को आप लिखो ट्रिपल कोट लिखो, सिंगल लाइन में लिखोगे तो सिंगल लाइन डॉक स्ट्रिंग, मल्टीपल लाइन में लिखोगे तो मल्टी लाइन डॉक स्ट्रिंग। मतलब आप डेफिनेशन क्या दे सकते हो, डॉक स्ट्रिंग इज एन इजीएस्ट वे इन पाइथन टू डिक्लेयर फंक्शन मॉड्यूल एंड एटसेट्रा। डॉक स्ट्रिंग को एक्सेस करने का तरीका, एक्सेस मतलब आप डॉक स्ट्रिंग को प्रिंट कैसे करोगे, जब आपने डेफ मतलब एक फंक्शन आपने क्रिएट किया ts नाम का, ठीक है, ts में आपने ट्रिपल कोट में एक मैसेज पास किया जिसमें आपने लिखा हेलो और इसको आपने ट्रिपल कोट्स को बंद कर दिया। अब ट्रिपल कोट्स हो जाने की वजह से ये क्या दिख रहा है, डॉक स्ट्रिंग दिख रहा है। किस तरह की डॉक स्ट्रिंग दिख रही है, सिंगल लाइन डॉक स्ट्रिंग दिख रही है। तो अब इसको प्रिंट करना हो तो आपको क्या लिखना होता है, बस प्रिंट करने के लिए प्रिंट फंक्शन का नाम और अंडरस्कोर डॉक अंडरस्कोर, ये आपको लिखना होता है अंडरस्कोर डॉक अंडरस्कोर। यही तरीका होता है किसी भी, इसको डॉट से आप सेपरेट करोगे, डॉट यहां पर ts डॉट डॉक स्ट्रिंग, ts डॉट अंडरस्कोर डॉक अंडरस्कोर, जब इस तरह से आप लिखोगे तो ये आपको आउटपुट क्या मिलेगा यहां पर हेलो, ठीक है। मतलब डॉक स्ट्रिंग को एक्सेस करने का तरीका क्या होता है, फंक्शन का नाम डॉट अंडरस्कोर डॉक अंडरस्कोर, ठीक है, ये तरीका होता है किसी भी डॉक स्ट्रिंग को प्रिंट करने का, ठीक है। अब आर्ग्यूमेंट इन फंक्शन की बात करते हैं कि फंक्शन में आर्ग्यूमेंट क्या होता है। जैसे कि अभी हम लोग कोई फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं ऐसे डेफ करके ts, अभी यहां पर पैरेंथेसिस से हमने इसको अलग किया हुआ है और पैरेंथेसिस में हमने कुछ नहीं लिखा हुआ है, खाली है ये, ठीक है, इसका मतलब ये इसमें कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं होता है। जैसे ही कुछ इसमें लिख दिया ए,
तो अब क्या हो गया, एक आर्गुमेंट पास हुआ है, इसको ए को क्या बोलोगे, आर्गुमेंट, ठीक है। तो यही आर्गुमेंट कितने तरीके से आप पाइथन में यूज कर सकते हो, उसका चार तरीका है। पहला तरीका पोजिशनल आर्गुमेंट, पहला तरीका कौन सा है, पोजिशनल आर्गुमेंट। दूसरा डिफॉल्ट आर्गुमेंट, तीसरा कीवर्ड आर्गुमेंट, और चौथा वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट। यानी कौन कौन से वे पर हम लोग काम करेंगे, पहले पर हम लोग पोजिशनल पे काम करेंगे, दूसरा हमारा डिफॉल्ट होगा, तीसरा हमारा कीवर्ड होगा, और चौथा वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट होगा, जिसमें आपके सिलेबस में इन दोनों को मेंशन किया हुआ है। तो कैसे हम लोग इस पर काम करेंगे और कैसे आर्गुमेंट पास करेंगे, एक एक करके देखते हैं। पोजिशनल आर्गुमेंट पे पहले बात करते हैं। ये देखो पोजिशनल आर्गुमेंट में क्या करना है कि आपको कैसे लिखने, एक तरीका कैसे लिखने का, आपने टीएस नाम का फंक्शन डिक्लेयर किया, उसमें दो पैरामीटर लगाए ए और बी, जो आर्गुमेंट है ए और बी मैंने पास किया, और ए बी को मैंने क्या करना है, प्रिंट कर लेना है, ठीक है। अब ए बी को जब आप प्रिंट करोगे तो टीएस नाम का फंक्शन मैंने यहाँ पे कॉल किया, और टीएस में मैंने वैल्यू क्या दी, 10 और 12, तो आउटपुट मुझे क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा 10 और 12। अगर यहाँ पर प्रिंट में आपने ए प्लस बी प्रिंट किया होता, ठीक है, और वैल्यू दी होती 10 और 12, तो यहां पर फिर आपको आउटपुट क्या मिलता है, 22, ठीक है। इस तरह से मतलब क्या होता है कि आपका पोजीशन फिक्स है, ए और बी फिक्स है, ये भी चीजें फिक्स है, ये बस चेंज होगा, जब आप चाहो वैल्यू बदल दो, 10, 12, 15, 16, जो आप चाहो वैल्यू चेंज कर दो, ये खाली चेंज हो रहा है। तो इस तरह की एक कंडीशन को बोलेंगे पोजिशनल आर्गुमेंट, ठीक है। ये एक तरीका होता है किसी भी फंक्शन में आर्गुमेंट को पास करने के। दूसरे तरीके पे चलते हैं। अब देखो दूसरा हमारा कौन सा है, डिफॉल्ट आर्गुमेंट। डिफॉल्ट आर्गुमेंट में आपको क्या करना है, जैसे मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया टीएस नाम का, उसमें मैंने नेम में टेक्नो शेखर को डिक्लेयर किया, नेम नाम का एक पैरामीटर पास किया, इस पैरामीटर में टेक्नो शेखर को मैंने क्या किया, डिक्लेयर कर रखा है। अब यहां पर मैंने प्रिंट किया हेलो, हेलो एक स्ट्रिंग है, और नाम को प्रिंट कर लिया, नेम मतलब इसको प्रिंट कर रहा हूं, ठीक है। तो जब मैंने यहां पर टीएस लिखा तो यहां पर मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, बाय डिफॉल्ट मुझे यहां पर आउटपुट मिलेगा हेलो टेक्नो शेखर। क्यों, क्योंकि यहां पर बाय डिफॉल्ट, इसी को बोलते हैं डिफॉल्ट आर्गुमेंट, क्योंकि यहां पर बाय डिफॉल्ट मैंने सेट कर रखा है कि कोई भी अगर नाम लिखे तो तुरंत ये चीज प्रिंट होके आ जाए, बाय डिफॉल्ट मैंने सेट कर रखा है। तो यहां पर मुझे आउटपुट क्या मिला, हेलो टेक्नो शेखर। लेकिन दूसरी जगह फिर मैंने टीएस को कॉल किया और यहां पर नेम मैंने बदल दिया, यहां पर लिखा मैंने MITM, तो यहां पर क्या आ जाएगा आउटपुट आपको, हेलो MITM। ये कंडीशन कहलाती है डिफॉल्ट आर्गुमेंट पास करने का तरीका होता है, बाय डिफॉल्ट वही चीज लेगा जो हमने वहां पर दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है कीवर्ड आर्गुमेंट। कीवर्ड आर्गुमेंट में हम लोग को क्या देखना है, कीवर्ड आर्गुमेंट का मतलब ये दिया हुआ है कि जैसे डेफिनेशन में मैंने दिया डिफाइन टीएस नाम का एक मैंने फंक्शन बनाया, उसमें नेम और मैसेज ये दोनों को मैंने कीवर्ड बना दिया, कि कुछ भी नाम डालो कुछ भी मैसेज डालो प्रिंट करेगा क्या, नेम और मैसेज को ही प्रिंट करेगा। तो जब मैंने फंक्शन को कॉल किया टीएस को, तो मैंने यहाँ पर लिखा नेम इज इक्वल टू टेक्नो शेखर, मैसेज मैंने दे दिया इज अ ऑनलाइन ट्यूटर, तो आउटपुट मुझे क्या मिलेगा, टेक्नो शेखर इज अ ऑनलाइन ट्यूटर। अब ये चीज आप चेंज कर सकते हो बार बार, आप अपना नाम डाल सकते हो, नेम में कुछ भी डालो, मैसेज आप जो देना चाहो, आउटपुट आपको वही चीज मिलेगी। यानी कीवर्ड यहाँ पर मेरा दो कीवर्ड सेट है, एक नाम और दूसरा मैसेज। तो इस तरह के जब अगर आर्गुमेंट आप पास करते हो तो ऐसे आर्गुमेंट क्या बोलते हैं, कीवर्ड आर्गुमेंट्स। लास्ट हमारा है वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट। वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट का मतलब क्या होता है, जब आप यहाँ पर एस्ट्रिक लगा देते हो, ठीक है, आपने एक फंक्शन क्रिएट किया और उसमें एक पैरामीटर दिया आपने एन, एन से पहले आपने एस्ट्रिक लगा दिया या फिर डबल एस्ट्रिक लगा दो, ठीक है, बात एक ही है। जब आपने एस्ट्रिक यहाँ पर मेंशन कर दिया और आपने प्रिंट किया क्या, हेलो, ठीक है, तो आउटपुट क्या आएगा, अगर यहां पर कुछ भी नहीं पास है तो हेलो ही आएगा, ठीक है। लेकिन अगर यहां पर आपने 3 बार प्रेस कर दिया, यहां पर लिख दिया 3, तो 3 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि यहां पर आपने वेरिएबल की लेंथ डिसाइड कर रखी है। तो ये क्या है, वेरिएबल की लेंथ आपने यहां लिखा 3 बार, हेलो हेलो और हेलो, यानी वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट का मतलब क्या होगा कि आप एस्ट्रिक के साथ अगर आप कोई भी पैरामीटर पास करेंगे या आर्गुमेंट पास करेंगे तो ये उसकी लेंथ को डिसाइड करता है, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट। अब हमारा एक टॉपिक आता है लाइब्रेरी फंक्शन। लाइब्रेरी फंक्शन क्या होता है कि जब पहले से ही प्री डिफाइंड, जैसे जिसको आप लोगों ने बिल्ट इन फंक्शन का नाम दिया,
प्रीडिफाइंड कोई भी ऐसा वेरिएबल या फंक्शन जिसको आप यूज करोगे तो ऑटोमेटिक आपका काम होगा और वो पहले से ही डिफाइंड है, तो उस तरह की कई लाइब्रेरी पहले से ही तैयार होती है। ठीक है, उस तरह की लाइब्रेरी को ही हम लाइब्रेरी फंक्शन बोलते हैं। जैसे कि आपने लिखा प्रिंट, प्रिंट ये एक फंक्शन है। ठीक है, किस तरह का फंक्शन है? बिल्ट इन फंक्शन है। लेकिन इसमें इसकी ये प्रिंट का काम क्या है इसके बारे में कहीं ना कहीं डिक्लेरेशन है। कंपाइलर को पता है कि प्रिंट का यूज प्रोग्रामर क्यों कर रहा है या पाइथन में प्रिंट का यूज करने पर क्या होगा। ठीक है, तो उसी जो फंडा तैयार किया गया उसी को हम बोलते हैं लाइब्रेरी। ठीक है, जैसे लाइब्रेरी का अगर वर्ड यूज करते हो तो लाइब्रेरी मतलब क्या है? संग्रहालय, किताबों का संग्रहालय, जहां पर बुक्स आपको मिलेगी, पढ़ने के काम आता है वहां पर। तो वहां पर क्या होगा? कंटेंट आपको मिलते हैं। सेम उसी तरह जब प्रिंट फंक्शन आपने यूज किया तो प्रिंट में जो कोडिंग की गई थी पहले से ही, इसके बारे में जब चर्चा की गई तो इसको जब बनाया डेवलपर्स ने बनाया, पाइथन के डेवलपर लोगों ने जब इस कीवर्ड को बनाया तो उन्होंने इसके अंदर कुछ कोडिंग किया और वही कोडिंग लाइब्रेरी में ले जाके स्टोर कर दी। ठीक है, तो इनपुट, जब आप इनपुट लिखते हो ये भी एक लाइब्रेरी फंक्शन की तरह यूज होता है। ठीक है, क्योंकि इसके बारे में भी कंपाइलर को पहले पता है। ठीक है, इसी तरह जब आप इवैल लिखते हो तो इसके बारे में भी पहले से ही फंक्शन को पता है, कंपाइलर को पता है। तो इन्हीं सब चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं? लाइब्रेरी फंक्शन। अब इसको हम लोग प्रैक्टिकल स्क्रीन पर आएंगे, फंक्शन से कुछ प्रोग्रामिंग करेंगे और इन सारे जो फंक्शन आपको दिए गए हैं आपकी बुक्स में मेंशन है, आपके सिलेबस में मेंशन है, उसको हम लोग टेस्ट करेंगे अपने लैपटॉप पर। ठीक है, अब हम लोग जो है फंक्शन के जो प्रैक्टिकल सेशन है उसको देखते हैं। तो प्रैक्टिकल सेशन में क्या है? सबसे पहले फंक्शन की डेफिनेशन देख लो आप। अ फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड विच ऑनली रन्स व्हेन इट इज कॉल्ड। फंक्शन जो है एक ऐसा ब्लॉक होता है जो उसके पास बहुत सारे कोड होते हैं और वो तभी रन करता है जब हम उसे कॉल करते हैं। यू कैन पास डेटा नोन एज पैरामीटर इन टू अ फंक्शन। फंक्शन के अंदर जो डेटा आप पास करते हो उसी को पैरामीटर बोलते हैं। अ फंक्शन कैन रिटर्न डेटा एज अ रिजल्ट। फंक्शन जो डेटा देता है वो रिजल्ट के फॉर्मेट में देता है। फंक्शन को डिफाइन करने के लिए आपको def कीवर्ड का इस्तेमाल करना होता है। ठीक है, जैसे कि आपने कोई फंक्शन क्रिएट किया def my function के नाम से। ठीक है, और इसमें ये जो डेटा आपने पास किया इसी को बोलोगे पैरामीटर, प्रिंट हेलो फ्रॉम अ फंक्शन। तो जो आपने डिफाइन किया वो एक फंक्शन क्रिएट हुआ माई फंक्शन के नाम से, उसके अंदर आपने क्या प्रिंट किया? हेलो फ्रॉम अ फंक्शन। अब फंक्शन को कॉल कैसे करोगे? जैसे आपने लिखा माय फंक्शन और इसके अंदर ये पास किया, तो फंक्शन को कॉल करने का तरीका ये है कि आपने इस फंक्शन को कॉल किया यहां पर। जब यहां पर कॉल करोगे तभी ये प्रिंट करेगा। जैसे कि आप देखो इस माय फंक्शन की वजह से अगर मैं इसको हटा देता हूं, इसको मैंने कमेंट लाइन में डाल दिया, तो देखिए आउटपुट नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि आपने my फंक्शन के अंदर इसको प्रिंट किया है। तो अब इस my फंक्शन को प्रिंट करने के लिए आपको क्या करना होगा? इसको यहां पर कॉल करना होगा। तो मैंने यहां पर कॉल करा और जब कॉल किया तो यहां पे मैंने सेमी कॉलन या कोलन कुछ नहीं लगाया। ठीक है, अब आप देखो मैंने यहां पर कॉल किया, दो बार कॉल करोगे इसको। जैसे मैंने एक बार और कॉल कर लिया यहां पर, तब दो बार आउटपुट मिलेगा आपको। देखो हेलो फ्रॉम अ फंक्शन, हेलो फ्रॉम अ फंक्शन। जितनी बार आप फंक्शन को कॉल करते जाओगे फायदा आपको क्या मिलने वाला है? फायदा आपको यही मिलने वाला है कि एक बार आपने माई फंक्शन जो आपने अंडरस्कोर के साथ माई फंक्शन क्रिएट कर लिया, इसको अब कितनी भी लंबी प्रोग्राम 10 पन्ने की प्रोग्रामिंग हो, खाली आप इतना लिखोगे तो इसके अंदर जो भी आपने काम किया हुआ है वो आपको प्रिंट में मिल जाएगा। बार बार आपको ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा और भी जो काम आप इसके अंदर लिखोगे तो ये ऐसा ब्लॉक बन जाएगा, एक तरह से ऐसा ब्लॉक बनेगा, जैसे ही आप खाली इतना लिखोगे कहीं भी पूरे प्रोग्राम में तो इसके अंदर जितना भी कंटेंट आपने किया होगा, जो भी आपने काम किया होगा, वो यहां पर आउटपुट में प्रिंट हो जाएगा। बार बार ये चीज चलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसीलिए कहा जाता है फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड। आर्ग्यूमेंट इसको बोलोगे, जैसे अभी हम लोगों ने जो फंक्शन क्रिएट किया, आप देखो पैरेंथेसिस के अंदर हमने जीरो यानी निल कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया था। अब यहां पर आर्ग्यूमेंट हम पास करेंगे, जैसे डिफाइन माई फंक्शन एफ नेम के मैंने एक आर्ग्यूमेंट पास किया यहां पर। ठीक है, और जब प्रिंट किया तो उसमें मैंने लिखा कि एफ नेम को प्रिंट करेगा, साथ में जिस भी रेफरेंसेस को हम लोग काउंट करेंगे उसको प्रिंट करेगा। तो माई फंक्शन को मैंने यहां पर प्रिंट किया और एफ नेम में मैंने डाला क्या? ईमेल।
माई फंक्शन को मैंने फिर कॉल किया, एफ नेम मैंने डाला क्या, ये टॉबियस, माई फंक्शन को लाइन एक्ट। अब ये एफ नेम की जगह ये सब प्रिंट होगा और इसकी जगह ये प्रिंट होगा स्ट्रिंग। देखो जहां जहां एफ नेम है वहां पर ये सारी चीजें ऑटोमेटिक हो गई। ये बाय डिफॉल्ट थी, क्यों, क्योंकि ये क्या लगा हुआ था, ये बाय डिफॉल्ट इसमें मैंने स्ट्रिंग के रूप में लिखा हुआ है। जहां एफ नेम होगा वो सब यहाँ पे आर्गुमेंट पास हो गया, इसी को बोलते हैं हम लोग आर्गुमेंट पास करना। यहाँ पे कोई भी आर्गुमेंट लिख दो, अब उसमें वैल्यू आप पास कराते जाओ, ठीक है। अब कितने आर्गुमेंट पास कर सकते हो, आप देखो बहुत से आर्गुमेंट आप पास कर सकते हो, जैसे यहाँ पे दो आर्गुमेंट पास करना है, तीन चार पांच, जिसने भी आप पास करना चाहो, तो यहाँ पर जितने भी आर्गुमेंट आप पास करना चाहो आप पास कर सकते हो। जैसे मैंने दो आर्गुमेंट पास किया एफ नेम और फर्स्ट नेम के नाम से, एफ नेम और फर्स्ट नेम को यहाँ पर प्रिंट, जो भी एफ नेम में कोई पर्सन डालेगा आर्गुमेंट में कोई वैल्यू डालता है तो यहाँ प्रिंट होगा और यहाँ पर फर्स्ट नेम में जाएगा। ये वाला स्ट्रिंग मैंने ब्लैंक स्पेस दिया, जब ब्लैंक स्पेस दे दिया तो वहां पर खाली ही प्रिंट करेगा। देखो मैंने यहाँ पर प्रिंट किया एक दो आर्गुमेंट पास किया ईमेल और देखो तो यहाँ पर क्या हुआ, ईमेल और रेफरेंसेस यहाँ पे प्रिंट हो क्या रहा है, बाकी बीच में मैंने ब्लैंक स्पेस दिया था। अगर यहाँ पर आप कुछ भी लिख दोगे हेलो, ठीक, देखो ईमेल हेलो रेफरेंसेस ये बार बार आएगा, ठीक है। तो ये चीज होती है आर्गुमेंट को पास करना का तरीका फंक्शन में। अब अगर मान लो कि आप चाहते हो कि एक बार आर्गुमेंट पास किया जाए लेकिन वैल्यू हम कई बार 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 मुझे आर्गुमेंट पास करने की जरूरत ना पड़े, तो आपको स्टार लगाना होता है। देखो जैसे मैंने एस्ट्रिक का सिंबल यूज किया और लिख दिया किड्स, अब एक बार किड्स लिखा, एस्ट्रिक का मतलब अब यूजर के ऊपर डिपेंड है कितने आर्गुमेंट पास कर रहा है। जैसे द यंगेस्ट चाइल्ड इज किड्स टू, ये देखो फंक्शन मैंने ईमेल टॉबियस लाइनक्स नाम का प्रिंट किया, ये तीनों आर्गुमेंट में मुझे दूसरे नंबर का आर्गुमेंट चाहिए, तो दूसरे नंबर मतलब क्या होगा, जीरो वन और टू, तो यहां पर मैंने क्या प्रिंट किया लिनक्स, ठीक है। लिनक्स ही क्यों आउटपुट में आया, क्योंकि यहां पर मैंने लिख दिया किड्स ने टू को, ठीक है। अब यहां पर लिखूंगा अगर दो की जगह एक लिखूंगा तो मुझे ये मिलने वाला है, देखो ये मिल गया। तो इसका मतलब ये है कि अब आप कितने भी आर्गुमेंट पास कर सकते हो किड्स में, ये कोई डिपेंड नहीं कर रहा है। यहां और भी लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो जितना आप चाहो, हेलो भी लिखना चाहो तो भी, और यहां पर हेलो को तीन करके प्रिंट करा लो। अब नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स आप बढ़ा सकते हो क्योंकि आपने यहां पे स्टार सिंबल का यूज किया है जिसको एस्ट्रिक बोलोगे आप, और यहां पर देखो ये चीज आ गई। तो इसको हम काउंट कैसे कर रहे हैं, तीन ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये जीरो से शुरू होता है इंडेक्स, जीरो वन टू एंड थ्री, थ्री पर हमारा क्या है हेलो है। अच्छा डबल, जब आपको डबल एस्ट्रिक मिलता है तो उसका भी मतलब सेम होता है, कि डबल स्ट्रिक का मतलब भी है कि आप जितने चाहे उतने आर्गुमेंट पास करा लो, जैसे सिंगल स्ट्रिक का काम होता है तो सेम काम डबल स्ट्रिंग भी करेगा आपको। बाय डिफॉल्ट पैरामीटर का मतलब क्या होता है कि आपने एक फंक्शन क्रिएट किया कंट्री में, नॉर्वे ऑटोमेटिक सेट कर रखा है। अगर किसी ने नॉर्वे, अगर किसी ने कंट्री प्रिंट किया, जैसे लिखा है स्ट्रिंग आई एम फ्रॉम प्लस कंट्री, अगर आपने कंट्री दे दिया जैसे यहाँ पर स्वीडन दे दिया, इंडिया दे दिया, ब्राजील दे दिया, तो ये इसको उठाएगा, नहीं तो बाय डिफॉल्ट जैसे यहाँ पर नहीं दिया गया है तो बाय डिफॉल्ट क्या उठाएगा, नॉर्वे उठाएगा, जिसको हम लोग बाय डिफॉल्ट बोलते हैं। देखो स्वीडन यहाँ पर प्रिंट किया, नॉर्वे यहाँ पर प्रिंट किया, ब्राजील, नॉर्वे यहाँ पर क्यों प्रिंट किया, क्योंकि यहाँ पर बाय डिफॉल्ट है, कुछ नहीं दिया गया है इसलिए ऑटोमेटिक क्या प्रिंट कर लिया, नॉर्वे, ये बाय डिफॉल्ट होता है, इसको हम लोग डिफॉल्ट पैरामीटर वैल्यू बोलते हैं। पासिंग अ लिस्ट एज एन आर्गुमेंट, एक लिस्ट ही पास करो आर्गुमेंट के रूप में फंक्शन में, तो कैसे पास करोगे, जैसे माई फंक्शन में फूड नाम का एक पैरामीटर दिया गया, फॉर एक्स इन फूड प्रिंट एक्स, और फ्रूट्स में क्या प्रिंट किया गया, एप्पल बनाना और चेरी। तो आपको मालूम है जब आपने एक्स को कॉल किया है तो लिस्ट कैसे आएगी, एप्पल बनाना और चेरी के फॉर्मेट में। इस तरह से भी आप फंक्शन को कॉल कर सकते हो, क्योंकि मैंने यहाँ माई फंक्शन को कॉल किया और यहाँ पे किसको प्रिंट किया, फ्रूट्स को, फ्रूट्स में है क्या, ये। रिटर्न वैल्यू का मतलब क्या है, रिटर्न वैल्यू में जैसे आपने लिखा माई फंक्शन एक्स और पांच बार एक्स को आपने प्रिंट कराना है तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये सारी वैल्यू आप रिटर्न करा रहे हो, 3, 5 and 9। तो जैसे जैसे आप 3, 5 और 9 करोगे तो यहां पर क्या होगा, x में आपने 3 डाला तो 3 × 15 प्रिंट होगा, 5 डालोगे तो 25 आएगा, 9 डालोगे तो देख लो, देखो 3 किया तो आपने 5 × 3 मिल गया आपको, ठीक है, रिटर्न कराया, 5 को रिटर्न कराया तो 5 × 5 मिल गया यहाँ पर आउटपुट में, 9 को रिटर्न कराया तो 9 × 5 मिल गया यहाँ पर आउटपुट में। तो ये रिटर्न कराने का तरीका होता है, रिटर्न 5 × x।
पास स्टेटमेंट, जैसा कि आप जानते हो कि पास का जो स्टेटमेंट होता है वो उसका मतलब होता है कि आउटपुट रन कराएगा लेकिन कुछ दिखाएगा नहीं, प्रोग्राम में एरर नहीं आने देगा। तो आपने लिखा माई फंक्शन पास, तो क्या होगा पास, बस आपने पास किया, आउटपुट भी रन करेगा, ब्लैक स्क्रीन आएगी लेकिन कोई एरर आपको नहीं मिलेगा। ये पास कीवर्ड का हम लोग यूज कर रहे हैं। रिकर्शन, अच्छा एक और सबसे आखिरी टॉपिक जो हमारा रिकर्शन है, वो रिकर्शन क्या कहता है? रिकर्शन एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब होता है रिवर्स, ठीक है, लेकिन रिवर्स किस स्टेप में हो रहा है? अब रिकर्शन का प्रोसेस क्या है, जैसे आपने कोई फंक्शन डिक्लेयर किया ts, ts में आपने लिखा प्रिंट हेलो और इसी में आपने प्रिंट कर दिया ts को, फिर आपने प्रिंट किया How are you? ठीक है, अब इससे बाहर आ जाते हैं, इस आर्गुमेंट से हम बाहर आ जाते हैं, यहां पर हम प्रिंट करते हैं अब ts, प्रिंट ts, रिकर्सन का मतलब ये होता है कि जब भी कोई भी फंक्शन खुद को अपने ही अंदर कॉल करता है तो वही चीज कहलाती है रिकर्सन, यानी कोई ऐसा फंक्शन जो आपने क्रिएट किया हो और वो जो फंक्शन हो वो खुद ही को अपने अंदर ही कॉल कर ले, तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, ये टेक्निक कहलाती है रिकर्सन की। जैसे ts नाम का एक मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया, उसमें मैंने लिखा हेलो, ठीक है, अब मैंने ts को क्या किया, उसी के अंदर कॉल कर लिया यहाँ पे ts, ठीक है, तो यहां पर कॉल करने की वजह से आपको आउटपुट क्या मिला, हेलो, ठीक है, हेलो हेलो दो बार मिला आपको। फिर प्रिंट हाउ आर यू, प्रिंट में मैंने क्या दिया हाउ आर यू, यानी ये पूरा क्लास एक सरस मैंने किसमें कॉल किया ts में, फिर मैंने ts को जब प्रिंट कराया तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा इसकी वजह से, हेलो, फिर यहां भी ts है, तो इस ts में क्या है आप देखो हेलो है, फिर हेलो लिखा, फिर हाउ आर यू, ठीक है, तो यानी क्या हुआ, जो ts फंक्शन क्रिएट किया गया वो फंक्शन खुद ही अपने आप कॉल हो गया अपने अंदर ही, ठीक है, तो यही प्रोसेस कहलाता है रिकर्सन, यानी ऐसा फंडा जब कोई भी फंक्शन खुद को अपने अंदर ही कॉल करे तो यही पद्धति कहलाती है रिकर्सन की पद्धति, ठीक है। अब इसको भी हम लोग समझेंगे अपने प्रैक्टिकल सेशन पर ही रिकर्सन के एग्जाम्पल से, ये हम लोग आते हैं एग्जाम्पल ट्राई करते हैं। जैसे एक फंक्शन क्रिएट किया गया जिसका नाम रखा गया ट्राई रिकर्सन, ठीक है, उसमें k नाम का एक पैरामीटर पास किया गया, कहा गया कि यदि k की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो रिजल्ट क्या मिलने वाला है, k प्लस ट्राई रिकर्सन k माइनस 1, यानी k की वैल्यू क्या होगी 1 हो जाएगी, क्यों, क्योंकि 0 से बड़ी होनी है तो k की पहली वैल्यू क्या होगी 1 होगी और इसकी वैल्यू क्या होगी 1 माइनस 1 दैट इज 0, यानी रिजल्ट में हमको क्या मिलने वाला है 1 प्लस 1 माइनस 0, यानी 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1 मिलेगा। दूसरी बार लूप फिर से चला, k की वैल्यू क्या होगी 2 होगी, तो 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 मिलने वाला है। फिर लूप चला, फिर क्या मिला, अब ये 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6 मिलने वाला है, यही लूप हमारा चलेगा। अब चूंकि देखो फायदा उसमें क्या हो रहा है, मुझे रिकर्सन समझाना था तो हमने ट्राई रिकर्सन नाम का जो पैरामीटर पास किया यहां पर, फिर नीचे रिजल्ट और रिटर्न रिजल्ट हमने किया हुआ है, ठीक है, इसी को हम लोगों ने कॉल कर रहा है। और ट्राई रिकर्शन में 6 मतलब हमने लिमिट लगाई है कि ये लूप कब तक चलेगा, जब तक k की वैल्यू 6 से कम नहीं हो जाती, यानी 5 तक जाएगा, ठीक है, इस यही प्रोसेस कहलाएगा रिकर्शन। चलो देखते हैं, देखो पहला क्या हुआ कि यहां पर 1 था, k की वैल्यू क्या आई 1 आई, यहां पर 0 था तो 1 प्लस 0 क्योंकि 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 होगा, तो आपको आउटपुट क्या मिला 1 मिला। फिर दूसरे में अभी k की वैल्यू क्या हो गई, अभी k की वैल्यू आपको 2 मिल गई और यहां पर क्या मिला आपको ट्राई रिकर्शन में, ट्राई रिकर्शन की वैल्यू आपको अब अगली जो ये सीरीज बढ़ेगी 6 तक जाना है तो अब क्या बन गया 1 हो गया, तो आपको मिला 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 मिल गया। अब ट्राई रिकर्शन की वैल्यू क्या हो गई, यहां से 3 हो गई और यहां k की वैल्यू भी क्या हो गई 3 हो गई, 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6 हो गया, ठीक है। ऐसे ही 6 प्लस अब ये 4 हो गई k की वैल्यू, तो 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 10 हो गया। अभी फिर अंदर गया लूप में तो अब क्या हो गया 10 हो गया वैल्यू, 10 प्लस
5 इज इक्वल टू 15 हो गया, 6 तक जानी है तो क्या होगा 15 प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 21। ये हमारा आउटपुट मिला पूरे प्रोग्राम का जो एक एग्जांपल था रिकर्सन का। अब अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस कुछ फंक्शन हम लोग अपने आइडियली पे टेस्ट करते हैं यूज करके। इसको पहले हम लोग सेव करते हैं फंक्शन के नाम से, क्योंकि हम किसकी टेस्टिंग करने वाले हैं, फंक्शन की, फंक्शन डॉट पी वाई। सबसे पहला फंक्शन आता है कौन सा, इनपुट फंक्शन। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी फाइल जब हम इनपुट कराते हैं एक्स में तो इंट क्या लिखते हैं, इनपुट फंक्शन को, इनपुट एंटर नंबर। ए बराबर एक्स प्लस 10 कर देते हैं, प्रिंट किसको कर लेते हैं, अब प्रिंट फंक्शन का यूज कर रहे हैं हम लोग। प्रिंट से हम लोग क्या किए, इस ए को हमने प्रिंट कर लिया, रन कराते हैं, पैरेंथेसिस लगाना, ये हो गया पैरेंथेसिस। देखो क्या पूछ रहा है, एंटर नंबर, मान लो मैंने नंबर एंटर किया 20 तो मिला मुझे क्या 30। क्यों मिला, क्योंकि मैंने जैसे यहां पे नंबर इनपुट कराया तो यहां पर ए की वैल्यू मैंने प्रिंट करनी थी और ए की वैल्यू क्या थी x प्लस 10, x की वैल्यू मैंने क्या दी 20 और 20 प्लस 10 इज इक्वल टू 30 हो गया, तो मैंने ए को प्रिंट कर लिया। तो ये एक दो फंक्शन हमने यूज किया, इनपुट का और प्रिंट का। एक फंक्शन आपको मिलेगा EVAL, EVAL का मतलब होता है इवेल्युएट करने के लिए हम इसका यूज करेंगे। जैसे मैंने एक फंक्शन यूज किया EVAL, इवेल्युएट, आप अंदर कुछ भी पास करो, स्ट्रिंग में ही पास करो, 12 प्लस 12 प्लस 12, ये मैंने कॉल किया इसको, यहां पे रन कराते हैं इवेल्युएट। ये देखो 24 मिला, क्योंकि मैंने इवेल्युएट को प्रिंट नहीं किया था, अगर इसको यहां से चलाना था तो इसमें लिखना था मुझे प्रिंट का फंक्शन, प्रिंट तभी आउटपुट देता ना आपको। ठीक है, देखें यहां पे मिला मुझे क्या मिला 36, क्यों, क्योंकि मैंने यहां से कॉल किया 12 प्लस 12 प्लस 12। ठीक है, तो इस तरह के आप फंक्शन को आप यूज कर सकते हो, इवेल, इवेल का मतलब होता है आप कुछ भी अंदर पास करो उसको इवेल्युएट करेगा, ईवीएल फंक्शन। अगला फंक्शन हम लोग यूज करेंगे काउंट का, काउंट का इस्तेमाल क्यों करते हैं, जैसे मैंने पास किया टी एक्स टी इज इक्वल टू आई लव पाइथन, मैंने लिखा आई लव पाइथन, एक्स को मैंने काउंट फंक्शन का इस्तेमाल किया टी एक्स टी डॉट सी ओ यू एन टी काउंट। अब मैं ये कह रहा हूं कि इसमें जो है पाइथन कितनी बार यूज हुआ है, मैंने ये पूछा कि txt नाम का जो अभी मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है जिसमें मैंने आई लव पाइथन लिखा हुआ है वो कितनी बार यूज किया हुआ है, उसको मुझे काउंट करना है। तो मैंने प्रिंट किसको प्रिंट करा लिया, x को प्रिंट करा लिया, मैंने x में क्या पूछा था काउंट करने का सिंबल, तो कितनी बार दे रहा है एक बार, मैंने कितनी बार यूज किया हुआ है पाइथन का, एक बार यूज किया हुआ है। ठीक है, अब अगर मान लो कि आपको ये जानना है कि पाइथन की जगह पर ओ कितनी बार यूज हुआ है, पाइथन को छोड़ो अब ओ को काउंट कर लो कि ओ कितनी बार यूज हुआ है, इसको भी काउंट करते हैं कितनी बार दे रहा है, दो बार। ठीक है, यानी ये देखो लव में ओ आया हुआ है, पाइथन में यहां पर ओ आया हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि काउंट फंक्शन का इस्तेमाल, जो खुद एक बिल्ट इन फंक्शन ही है, इसका इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं,
क्योंकि हम स्ट्रिंग में या कितनी बार हमने डिक्लेरेशन किया हुआ है स्ट्रिंग में और किसको मुझे काउंट करना है उसके लिए हमने क्या यूज किया, काउंट फंक्शन का इस्तेमाल किया। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं फाइंड फंक्शन के बारे में। बस आप यहां पे काउंट की जगह टाइप करो फाइंड, FIND। अब वो जहां ओ रहेगा उसको फाइंड आउट करेगा। देखो ये बता रहा है कि तीसरे नंबर पर ओ है, कहां है तीसरा नंबर, देखो जीरो स्पेस को काउंट किया वन आई टू और ये तीसरे नंबर पे ओ, ठीक है। जीरो स्पेस को काउंट किया उसने वन, टू पर उसने काउंट किया एल को और ओ को काउंट किया कहां पर, थर्ड नंबर पे। चलो जरा ओ को मैं यहां से रिमूव करता हूं। अब देखो दसवें नंबर पे पा रहा है वो, दसवें नंबर पे उसको क्या मिल रहा है, ओ मिल रहा है। कैसे काउंट कर लो, वन स्पेस को काउंट किया टू थ्री फोर फाइव सिक्स स्पेस को भी काउंट कर रहा है सेवन एट नाइन टेन, ठीक है। ये हो गया आपका ओ। तो फाइंड का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, फाइंड का इस्तेमाल किया जाता है फंक्शन को काउंट करने के लिए जब आपको कोई भी सीरीज फाइंड आउट करनी होती है तब। अब जैसे यहां पर मैंने ओ लगाया तो क्या हो रहा था, जब ओ कर दे रहा हूं तो ये क्या कह रहा है, ये स्टार्टिंग से ही काउंट कर रहा है, तीसरे नंबर पर दिखा दे रहा है, ठीक है, स्टार्टिंग से काउंट कर रहा है और जहां उसको ओ मिल जा रहा है वहीं रुक जा रहा है और बता रहा है कि तीसरे नंबर पे ओ है जिसको आप फाइंड कर रहे हैं। लेकिन आप चाहते हो कि ये यहां से काउंट ना करे, ये बैक से काउंट करे, आखिरी वाला दिखाए, तो आखिरी के लिए आपको क्या करना होगा, एक नया फंक्शन यूज करना होगा जिसका नाम रखेंगे आप आर फाइंड। आर फाइंड, आर फाइंड जो है आपके लास्ट से वैल्यू को काउंट करेगा। देखो दिखा रहा है 11वें नंबर पे, ठीक है। अब इसने इससे शुरू नहीं किया, इसने इधर से शुरू किया तो इसने सबसे अंतिम में ओ कहां है उसको फाइंड आउट किया। तो जब अंतिम में आपको वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा तो आपको क्या लगाना होगा, कौन सा फंक्शन यूज करना होगा, आर फाइंड का इस्तेमाल करना होगा। फिर एक फंक्शन हम लोग यूज करते हैं कैपिटलाइज का। कैपिटलाइज क्यों यूज करते हो, कैपिटलाइज का इस्तेमाल करने से जो पहला अक्षर होता है वो कैपिटल हो जाता है। जैसे देखो इसमें आई एल पी सब स्मॉल दिख रहा है, इसको मैंने एक फंक्शन यूज किया कैपिटलाइज। देखिए क्या हो गया, आई और इसका पहला अक्षर जो आई था वो क्या हो गया, कैपिटल हो गया, जबकि यहां पर मैंने क्या मेंशन किया हुआ है, स्मॉल में मेंशन किया हुआ है। तो पहला अक्षर को अगर कैपिटलाइज करना चाहते हो तो आपको कौन सा फंक्शन यूज करना होगा, कैपिटलाइज का, ठीक है। अभी जैसे कैपिटलाइज को मैंने यूज किया तो पूरे जो आपने वर्ड लिखे हुए हैं इसमें इसी का पहला वर्ड, जो पहला वर्ड आपने यूज किया था यही कैपिटल हुआ। लेकिन आप चाहते हो कि नहीं, जितने वर्ड जैसे तीन वर्ड मैंने यूज किया आई लव पाइथन, इन तीनों का पहला अक्षर कैपिटल हो जाए, तब आपको कौन सा चीज यूज करना होगा, तब इसके लिए आपको दूसरा फंक्शन यूज करना होगा टाइटल। टाइटल का यूज किया मैंने, अब देखो आई कैपिटल हो गया, लव का एल कैपिटल हो गया, पाइथन का पी भी कैपिटल हो गया, इसके लिए कौन सा फंक्शन मैंने यूज किया, टाइटल, आई लव पाइथन। अगर आप चाहते हो कि इसमें जितने भी स्ट्रिंग हैं वो लोअर केस में चले जाएं, तो चलो मैं इसको पहले कैपिटल करता हूं, आई लव पाइथन, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि ये सारा जो मैंने चूंकि कैपिटल में लिखा हुआ सब किस फंक्शन में चले जाए, लोअर में, तो इसको मैं एक फंक्शन यूज करता हूं लोअर, एल ओ डब्ल्यू ई आर, सॉरी कैपिटल हो गया, एल ओ डब्ल्यू ई आर, ये देखो कैसा हो गया, आई लव पाइथन, सब किस में बदल गया, लोअर फॉर्मूले में बदल गया। तो इसके लिए कौन सा फंक्शन यूज किया हमने, लोअर का। अपर पे एक फंक्शन और होता है, अगर आप ये पूरा का पूरा मान लो लोअर हो, तो मैंने फंक्शन यूज किया अपर, कैसा हो गया, आई लव पाइथन, सब कैपिटल हो गया। अब एक अलग फंक्शन हम यूज करते हैं, चलो इसका हमने आई कैपिटल किया, लव का मैंने एल कैपिटल किया, ओ को भी मैंने कैपिटल किया और वी ई को भी मैंने कैपिटल ही कर दिया।
अगर आप चाहते हो कि जैसे जहां जहां कैपिटल है वो स्मॉल हो जाए और जहां यानी लोअर हो जाए और जहां जहां लोअर है वो कैपिटल हो जाए ऑटोमेटिक, तो इसके लिए आप कौन सा फंक्शन यूज करोगे? स्वैप केस, SWAPCASE, स्वैप केस आप यूज करो तो जो जैसा है उसका उल्टा हो जाएगा। ये देखो आई लव स्मॉल हो गया और पाइथन कैपिटल हो गया, क्यों? क्योंकि यहां पर आई लव कैपिटल था तो ये स्मॉल हो गया, पाइथन स्मॉल था तो ये कैपिटल हो गया। कौन सा मैंने फंक्शन यूज किया? स्वैप केस।